अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, कैसे बेहतर हैं? अगर कमर 42 है तो इसकी जो ट्राउज़र की कभी भी नहीं फटेगा, ये इसके इस तरीके से काटें। अक्सर ट्राउज़र जो है आसान से फट जाते हैं, बहुत सी कहते हैं यही आती हैं, तो इसका आसान तरीका ये है। कुछ लोग यही करते हैं कि जैसे 21 कमर है, 42 कमर है तो इसका जो रखते हैं साइज लूज रखना पड़ेगा, तो ये आएगा 13.5 इंच आएगा, तो 13 इंच पे ये निशान लगेगा, ये 13 इंच पे निशान आएगा ये इसका। अब ये हिप पे और कमर पे ये दोनों 13-13 इंच के निशान आएंगे स्ट्रेट। अब आसान है, फ्रंट का 13 इंच तो 12.5 इंच पे निशान आएगा। अब ये एक ही काटना है, कटिंग एक की होगी फ्रंट की। अब ये 12.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब ये 2 इंच की ये रखनी है आगे से बढ़ा के, आसन था इसका जो है 2 इंच बढ़ा के रखनी है। अब ये इसका हाफ हो रहा है 6.5 इसका। अब 6.5 का सेंटर करेंगे। अब यहाँ से 6.5 लिया हमने, अब ये सेंटर जा रहा है 6.5 का। 13 इंच पे हमने निशान लगाया था तो आधा इंच इसका 6.5 हो गया, तो अब ये निशान जो है 6.5 पे जा रहा है। अब इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ है इसकी 38। अब ये 5 का निशान लगाएंगे हम नीचे, अब ये थोड़ा सा स्ट्रेट लेना होता है पहले, उसके बाद फिर गुलाई होती है, 3 इंच की ऐसे स्ट्रेट आता है। अब इसके बाद 2.5 इंच और छोड़ेंगे बैक का। अब ये इसका आधा हो गया, 8 इंच 5 आया तो इसका 4 इंच इस तरफ निशान आएगा, 4 इंच इस तरफ निशान आएगा सेंटर का। अब ये 5 सेंटर में आ गया। व्यूअर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएँ, और आने वाली वीडियो जो है ना हर आप तक ज़रूर पहुँचे। अब ये इसकी गुलाई आएगी। आसन जो है, आसन से जो है वो निशान पे कटेगा। अब ये हाफ हो गया, 2.5 इंच का निशान बैक का लगाएगा, ये हाफ है। अब 13 इंच का निशान लिया था, अब ये 6.5 हो गया, 13 का आधा। अब ये 2.5 इंच का आ गया, अब ये 4-4 इंच तो 8 इंच हो गया। अब थोड़ा सा स्ट्रेट लेना है वहाँ से, अब इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपको निशान नज़र आएगा, फिर निशान कटिंग हो जाएगा। अब ये निशान पे अब इस कटिंग होगी। अब ये फ्रंट वाले 2 पीसों का जो निशान है